तो अचानक सिम कार्ड बंद हो जाए तो क्या करें, यहाँ पर सबसे बड़ा मुख्य सवाल है और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी हुई है और मैंने अपने आप से सॉल्व की। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बना के डाला था और उसके ऊपर 10,000 से ऊपर व्यू चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पर वो वीडियो में हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये वीडियो में इतने सारे लोग थे जो सर्च किए ये टॉपिक, तो ये टॉपिक में वीडियो बनाना मेरा जरूरी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सिम कार्ड अगर बंद हो जाए तो क्या करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन सबसे बड़ी यही थे, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन ये थे, जब उनका सिम चालू हो गया, जो मैंने बताया जैसे उनका सिम चालू हो गया तो उसके बाद उन लोगों ने 2 क्वेश्चन मेरे को सबसे ज्यादा पूछे। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन ये था कि भैया कितने पैसे लगेंगे ये सिम स्टार्ट कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पर बताया था, ये क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दूंगा, फिक्र मत करो। उससे पहले मेरे को ये ट्रिक बताना है आपको। फिर उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा पूछा गया, जैसे सिम चालू हो गया, जो हमारा पहले वाला जो रिचार्ज, जो आपने पहले भी रिचार्ज मारे हो, अचानक से आपका सिम बंद हुआ, ठीक है, और रिटर्न मिलेगा कि नहीं वापिस, तो इसका भी आंसर मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि भैया ये जो सिम कार्ड बंद हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए उस पर। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, आप चेकआउट अच्छे से कर लो, आपका सिम सही में ब्लॉक हुआ है, बंद हुआ है कि नहीं। तो इसको चेक करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप डायरेक्ट वो जो सिम है आपके मोबाइल में जो लगा हुआ है उसको निकाल के दूसरे मोबाइल में लगा के देखो, उसमें टावर आ रहा है कि नहीं, और उससे कॉल लगा के देखो, मैसेज भेज के देखो, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, तो तब जाके ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल मैप उसमें जाना, उसमें जाने के बाद सिंपली आपका जो सिम है, ठीक है, उसका जो नाम है उसका एयरटेल, जैसे मेरा सिम एयरटेल का था, बंद हो चुका था, गूगल मैप में मैंने सिंपली सर्च किया एयरटेल स्टोर। आप भी ऐसा करो, सबसे पहला स्टेप, जैसे ही आपको स्टोर मिल जाएगा कितने दूर है क्या दूर है वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो सिम कार्ड है, ठीक है, वो किसके नाम पर रजिस्टर है वो देखना है सबसे पहले। तो देख लिया, जिस किसी के भी नाम पर रजिस्टर है उसको लेके जाना साथ में, आप नहीं जाना, अगर जिसके नाम का सिम है ना वही जाएगा, क्योंकि वहां पर थम लगता है और उसका फोटो लगता है, मैं आपको बता दे रहा पहले से, तो वो पर्सन जाएगा। अब वहां पर जाओगे आप तो वहां पर क्या लेके जाना है, तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा मेन है, या तो आप आधार कार्ड लेके जाओ या तो आप पैन कार्ड लेके जाओ, दोनों में से एक जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना, दोनों में से एक। अगर ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके जाऊंगा शायद मना कर सकती, क्योंकि मैं वहां पर देखा एक बंदा ने बताया था कि भैया ये आधार कार्ड नहीं है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलाते। अब इसके बाद सबसे मेन चीज, आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो वो ओरिजिनल लेके जाओ, ठीक है, वहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, अगर आप ओरिजिनल नहीं लेके जाओगे तो आपको घर भेजेगा रिटर्न और ओरिजिनल लाओ बोलेगा, तो ओरिजिनल लेके जाना, तो ये चीज होगी। और उसके साथ और एक चीज लेके जाना, आप एक मोबाइल लेके जाना, उसमें अलग कोई सिम हो, आपका पापा का, मम्मी का, चाचा का, जो भी है उसमें सिम हो, ठीक है, क्योंकि जब वो मैडम आपको कोई नंबर मांगेंगी तो आपके पास नंबर रहना चाहिए चालू वाला, तो उसमें क्या होता है एक OTP आता है, OTP के जरिए वो आपका जो सिम है वहीं से स्टार्ट करती है, तो एक मोबाइल साथ में लेके जाना सबसे मेन जरूरी बात। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आपको जाना है क्या, सिंपली आपका जो स्टोर है, जो सिम का स्टोर है वहां पर जाना है, जाने के बाद अपने मैडम को जो भी है प्रॉब्लम वो बताना कि मैडम अचानक से मेरा सिम ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर मैडम बोलेंगी ठीक है सर आप बैठिए, मैं चेकआउट करती है, आपका नंबर पूछेंगे जो बंद हो चुका है, ठीक है, तो नंबर टाइप करेगी, टाइप करने के बाद वो आपको बोलेंगी आपके पास कोई चालू नंबर है क्या, फिर वो जो चालू नंबर आपने लेके गए थे साथ में तो सिंपली वो नंबर बताना, फिर वो नंबर बताओगे तो डायरेक्ट OTP मिलेगा आपके मोबाइल में, फिर वो OTP मांगेंगी मैडम सर OTP दीजिए, तो फटाक से OTP निकाल के देना मैडम ये OTP है, फिर उसके बाद वो मांगेंगी डॉक्यूमेंट, तो आपके पास मैंने पहले ही बोला था आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जाना, तो खट से निकाल के देना मैडम ये लीजिए, फिर वो सब लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह करेंगी, फिर उसके बाद एक दीवार में खड़ा करेगी, आपका मोबाइल से फोटो खींचेगी, फोटो खींचने के बाद आपका क्या है तो पूरा डॉक्यूमेंट पे वो सब रजिस्टर करेगी, फिर उसके बाद सबसे मेन चीज आपके हाथ में एक सिम दे देगी। तो आपका ये जो सिम है कितने घंटे में चालू होगा, तो मैं आपको बता दूं ये जो सिम स्टार्ट होगा 4 घंटे में स्टार्ट होने वाला है आपका सिम। अब ये वाले वीडियो के सबसे बड़े क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन थे कि जैसे हम जाते हैं एयरटेल स्टोर में, जो भी है आपके सिम का कंपनी का, वो पैसे ले मांगेगा, तो मैं आपको बता दूं 1 रुपये नहीं मांगते लोग और आपको देना भी नहीं है। अगर आपको पोर्ट वगैरह कराना है साथ उसमें पैसा लगे, लेकिन अचानक से आपका सिम बंद हो जाता है तो यहाँ पर कोई पैसे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन कि हमारा जो पहले का रिचार्ज था वो सिम में,
तो सिम में रिचार्ज रहने के बाद वो जो रिचार्ज और रिटर्न मिलेगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं डेफिनेटली मिलेगा, 100% वापस मिलेगा, जो आपका पैक है पहले से अवेलेबल वो नंबर पे। तो यहाँ पर आपको आपका जो रिचार्ज है वो रिटर्न मिलने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को ये पूछा गया है ये वीडियो में, और इतने सारे कमेंट आए ये वीडियो से रिलेटेड, और सबकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हुई है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए सिंपली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक तो ठोको ही। तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।